आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पूर्णिया जिले के बड़हरा प्रखंड से ओल्लाहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह जी की किसानों से अपील है कि सभी किसान अपना धान पैक्स अध्यक्ष को ही दे, ताकि किसानों को सरकारी लाभ पैक्स द्वारा उचित मूल्य पर मिल सके। पैक्स अध्यक्ष किसानों से अपील कर रहे हैं कि धान में मिट्टी और धूल कण न हो और 17% धान में नमी हो। पूर्णिया जिले के अंतर्गत राइस मिल की कमी होने के कारण धान की खरीदारी सही से नहीं हो पा रही है। पूर्णिया जिले के पैक्स अध्यक्ष जी का कहना है, हर प्रखंड में राइस मिल देना अनिवार्य है। इसके संबंध में सभी अध्यक्ष ने कृषि भवन में डीएम के पास अपना प्रस्ताव भी रखा है, पर सरकार ने इसको लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। किसानों से ज्यादा पैक्स अध्यक्ष को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम सभी पैक्स अध्यक्ष की सरकार से अपील है कि हर एक प्रखंड में राइस मिल जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ओल्लाहा पंचायत के सभी किसान भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिया से मोहम्मद नौशाद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के अंतर्गत बी कोठी प्रखंड के ग्राम पंचायत ओल्लाहा वार्ड नंबर 1। आइए, यहां का जो पैक्स अध्यक्ष जी हैं उनसे हम रू आबरू मिलते हैं और किसानों के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अरविंद प्रसाद सिंह, मैं ओल्लाहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं अभी खरीदारी का काम कर रहा हूँ धान अधिप्राप्ति का। लेकिन मिल चयन के चलते जो है मिल जो चेंज कर दिया, जिसके चलते खरीदारी अभी रोक दिए हैं। कारण कि बहुत से पैक्स अध्यक्ष जो हैं फंस गए हैं। पहले अरवा का दिया था, इसके बाद उसना दिया, जिसके चलते कि मैंने पैक्स अध्यक्ष खरीदारी रोक दिया है और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कारण कि अभी खेती का टाइम है तो किसान को मूल्य है पूंजी का, इधर मिल चेंज कर दिया। हम लोग डीएम साहब को बोले, एप्लीकेशन भी दिए हैं लिखित में कि सर पैक्स अध्यक्ष और कम मिलर को बैठा करके निराकरण कर दीजिए कि उसना चावल वाले क्या लेगा। दूसरी बात तो हो गया उसना चावल। दूसरी बात यह है कि अरवा चावल का जो पहले हम लोगों के साथ एग्रीमेंट बना था, उसके मुताबिक मिलरों ने चावल तैयार कर लिया था, चावल तैयार कर लिया, इसके बाद कैंसिल किया, जिसके चलते कि मिलर को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी है। कुछ पैक्स अध्यक्ष जो है यानी वहाँ धान दे दिया था, कारण एग्रीमेंट के मुताबिक हम लोगों को देना पड़ता है, तो कुछ दे दिया था धान। लेकिन अब क्या होगा ये तो आगे जाने। अभी तक चेयरमैन जी आप किसानों से कितना धान खरीदारी किए? अभी तक जो है हमने यानी 4 अलॉट काम किए हैं। 4 अलॉट में एक अलॉट में पड़ता है 433 क्विंटल। जी, 433 क्विंटल, हाँ, एक अलॉट का पड़ता है। हम 4 अलॉट खरीदारी और उसका फुल भुगतान भी कर दिए किसानों को, खाते में दे दिए। सर, कितने दिन में आप पैसा रिकवरी करते हैं किसानों का? पैसा तो हम 4 से 5 दिन में रिकवरी करते हैं। वैसे तो सरकार का है 48 घंटा सर। सरकार का तो एस्टीमेट है कि जो 48 घंटा में, लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे हम जैसे धान खरीदारी किए तो हम लोगों का जो नियम है 433 क्विंटल का, तो आज 200 क्विंटल खरीदे, इसके बाद फिर कल जो है 100 क्विंटल खरीदे, परसों फिर 100 क्विंटल, इसमें टाइम लगता है। इसके बाद ब्लॉक से एडवाइस निकाल करके फिर बैंक में जमा करते हैं, इसके बाद किसान के खाता में पैसा जाता है। यही कारण है कि कुछ लेट होता है। चेयरमैन जी, आपको सरकार जो नियम बताए हैं कम से कम 17% नमी होना चाहिए, ऐसा तो आपके पंचायत में ऐसा तो किसान नहीं है कि खाद भूस वाला धान ले आते हैं आपके पास, गंदा धान भूसा वाला, ऐसा तो नहीं, नहीं ऐसा धान खराब धान कोई किसान हमारे यहाँ नहीं देते हैं। सबको हम पहले आगाह कर दिए हैं, उसके मुताबिक किसान जो है धान देता है। सर, आगे किसानों को कुछ मैसेज भी भेजना चाहते हैं? किसान को मैसेज क्या भेजेंगे, यही कि हम तो ये चाह रहे हैं कि किसान का जितना भी धान है हमारे यहाँ जो है करीब 260 के लगभग अप्लाई किसान किया है, तो रजिस्ट्रेशन किया जी, रजिस्ट्रेशन धान अधिप्राप्ति के लिए अप्लाई अलग से होता है, तो
उसके मुताबिक जो हम खरीदारी अभी बहुत कम किया है, तो हम तो सरकार और पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके किसानों का धान जो है जल्द से जल्द पैक्स के माध्यम खरीदारी करवाए। क्या सर, मतलब अब तो सरकार ये भी दे दिया खाद बीज जो भी है पैक्स अध्यक्ष ही मतलब खाद बीज किसानों को उपलब्ध कर सकते हैं, क्या आपका सोच है? नहीं, ऐसा यदि नियम सरकार किए हैं तो हम उसका पालन करेंगे जी। अगले वर्ष जो है चाहे अगले जो अथी खरीफन में जी। उसमें हम जो है यानी खाद का काम करेंगे जी। इस बार तो नहीं कर सके लेकिन करेंगे जी। कारण कि इस बार तो हम रह गए लाइसेंस वगैरह बनाने के फेर में जी। जिसके चलते हमने नहीं किया, अगले साल जो है हम करेंगे खाद का काम। सर आगे 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष के अवसर पे तमाम जनता और तमाम जो हैं और लाह पंचायत के किसानों जो है शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। हाँ, जी। हाँ, मैं सभी और लाह पंचायत के किसान भाइयों को सभी को मैं 9 वर्ष का मुबारक देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद प्रसाद सिंह, मैं और लाह पैक्स गोरलहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पर अभी वर्तमान में हूँ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।